राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रियंका के रेशन ऑफिशियल में। आज हमने ये 4 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेस बनाई है। ये हमने डबल साइडेड ड्रेस बनाई है और ये बहुत ही आसान तरीके से बनाई गई है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम इसे पहना के दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहनाई जाएगी लड्डू को। और ये ड्रेस 3 और 4 नंबर के लड्डू गोपाल दोनों को पहना सकते हैं। ये इस तरह से पहना देंगे यानी, तो ये डबल साइडेड हो गई ड्रेस। ये देखिए दिख रही है दोनों तरफ से, और हमने इसकी पगड़ी बनाई थी। देखिए लड्डू कितने सुंदर लग रहे हैं छोटे से। चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने फैब्रिक लिया है, ये हमने डबल फैब्रिक लिए हुए हैं। इसकी चौड़ाई हम लेंगे यहाँ पर 4 इंच और इसकी लंबाई हम लेंगे 19.5 इंच। इसमें हमने इसी मेजरमेंट का अस्तर ले लिया है। अब अस्तर को हम इसके ऊपर सिल देंगे। एक पार्ट हम सिल के दिखा देंगे, एक आपको खुद सिलना होगा। पहले हम इस तरह सिल लेंगे 3 साइड। अब हम इस पे ऊपर से सिलाई लगा देंगे फिर से 3 साइड ही। अब हम इस पे लेस सिलेंगे। लेस हमें साइड से सिलना स्टार्ट कर देना है। 3 साइड ही लेस हमें यहाँ पर सिलनी है। यहाँ पर हमने सिल दी लेस। अब हम एक बार और लगाएंगे लेस को, इधर से लगाना है हमें और सीधा सीधा इसे सिलते जाना है। अब इसमें हम फ्रिल बनाएंगे यानी कि प्लेट्स बनाएंगे। इस तरीके से इसमें प्लेट्स बनाते जाना है। और यहाँ पर हमें 3 इंच की प्लेट बनानी है। यहाँ पर हमें मेजर करके देख लेना है कि हमारी 3 इंच आ रही है। अगर 3 इंच नहीं आ रही तो इसे थोड़ा सा और खोल देंगे प्लेट्स को। अब यहाँ पर इसकी सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमने इसका दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया। अब हम इसे एक के ऊपर एक रख के थोड़ा सा सिलेंगे। थोड़ा ही सिलना है यहाँ पे हमें।
अब हम यहाँ पर इसे पीछे की तरफ से इसे कपड़े को सिल देंगे। ये हमने यहाँ पर सिल दिया। अब हम यहाँ पर डोरी डाल लेंगे और डोरी डालकर इसे लॉक कर देंगे ऊपर की तरफ से इस तरीके से, और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर मैं सिलाई लगा ली सारे में। हमें सिलाई सिंपली ही लगानी थी ऊपर की तरफ। ये हमने 4 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई का ये फैब्रिक लिया है। यहाँ पर हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरीके से फोल्ड करना है यहाँ पे हमें, और ऊपर की तरफ ले जाते हुए ऊपर की तरफ कम नीचे की तरफ मोटा इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी थोड़ी सी। अब हमने ये फैब्रिक लिया दूसरा, इसकी चौड़ाई हमने 2 इंच और इसकी लंबाई हमने 6 इंच ली है। इसे हम यहाँ पर इस तरह से लेंगे फोल्ड करके और इसे यहाँ से नीचे की तरफ ले जाएंगे और इसे इस तरह से फोल्ड करके ऊपर की साइड सिल देंगे। ऐसे ही हमें दूसरा सेट, ये जो दूसरी साइड है ये भी ऐसे सिलते जाना है इसे हम। इस तरीके से यहाँ पर हमने सिल ली, इसे भी हमने फिर फोल्ड करके ऊपर की तरफ सिल देंगे। अब यहाँ पर हम बीच में निशान लगाएंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके बीच में निशान लगा लेंगे। ऐसे ही हमें इसमें बीच में निशान लगाना है और इसे निशानों को मिलाते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने यहाँ पर सिल दिया है। हमने दूसरा फैब्रिक लिया, इसकी चौड़ाई 3 इंच और इसकी लंबाई लिए 10 इंच। इससे हम पगड़ी बनाएंगे। इसमें हमने अस्तर लगा लिया नीचे की तरफ, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद इस पर सिलाई लगा देंगे। ये हमने लेस सिल ली इसके ऊपर। अब यहाँ पर हम इस तरह से इसे सिल देंगे पगड़ी को। लेस भी हमें सिंपल ही सिलनी थी। पहले हमने दूसरी साइड सिला था, अब हम इसे इस तरह से एक के ऊपर एक रखकर इसे यहाँ बीच में लगाकर यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
नोट लगा के कट कर लेंगे यहाँ पर ऐसे धागे को। ये पगड़ी बनकर रेडी है, ये ड्रेस और ये पगड़ी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।